हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास एवेवन की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर सिक्सटीन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके सिक्स चैप्टर तक वन टू तो सिक्स चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था लाइन लाइन बाय लाइन अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं अब हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर जो चलते हैं फिर उसके बाद हम जो प्रीवियस चैप्टर भी आराम आराम से हम सब कुछ जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे सबसे पहले अब जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पर चलते हैं जो कि आपका इंटरेस्टिंग पार्ट भी है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी अपनी बॉडी से रिलेटेड है जिसका जो है डॉक्टर बनना आपको तो इसमें जो है मज़ा ही आएगा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको मजा आएगा और आप जो है प्लांट का पढ़ते पढ़ते और एनिमल का पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे मैंने सोचा कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करा देते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो हमने प्रीवियस यूनिट्स की हैं तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हम वो करानी यूनिट्स भी जो है ज़रूरी थी इससे क्या आइडिया लग जाएगा आपको इसमें आगे जो कोई साइड कोई भी टर्म्स आएंगी चैप्टर वन से सिक्स से रिलेटेड तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा मेल नहीं जो थोड़ी बहुत आपके किंगडम के बारे में क्या आपने मैमिल मेमेलिया में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था उस किंगडम में तो थोड़ी बहुत ये टर्म्स आ सकती है चैप्टर नंबर सेवेंटीन में तो वैसे खास कुछ जो है यूज़ नहीं है उसके बाद हम सेल टिश्यू सेल और टिश्यू आपका नॉर्मल जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी आपने एट नाइन टेंथ क्लास में पढ़े होंगे और डिटेल में हम और ज़्यादा अच्छी तरह से सेल और टिशू को बाद में लेंगे पहले हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को करते हैं फिर भी एक बार बता देता हूँ जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है जो जो कि हर एक को बॉडी में परफॉर्म करती है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में जो है अलग अलग टाइप्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसमें बॉडी हो आपके राइबोसोम्स हो गए मतलब काफी सारी चीजें होगी साइटोप्लाजम हो गया न्यूक्लियस हो गया सारी चीजें हो 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 होती है न्यूक्लियस जो है मेन सेंटर है जो कि कमांड देता है हर एक चीज को टिश्य के बारे में जो कई सारे सेल्स मिलकर आपस में काम करने लगते हैं ये टिशू के बारे में हमने जो प्लांट चैप्टर में पढ़ा था एनआरटी में फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था के बारे टिश्य उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में भी हम जो चैप्टर नंबर सेवन में डील करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन का मतलब क्या है तो एक बार डाइजेशन का मतलब जानने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री का पढ़ेंगे एलिमेंट्री के में जो हम पूरे जो है माउथ से लेकर एनस तक जो सारे पार्ट्स की एक बार हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या पार्ट्स है किस तरह से वो बने हुए हैं उसमें क्या क्या टाइप्स हैं जैसे आपका लीवर होगा किस तरह से जो है क्या क्या, क्या फंक्शन करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम देखेंगे किस तरह से वो वो है बना हुआ है क्या क्या उसके पार्ट्स हैं उसके नाम जानेंगे पार्ट्स के आपका जो है स्टमक हो गया टीथ हो गया उसके बारे में सब कुछ जानेंगे तो उसके बाद आपकी हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री का में साथ में पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री का हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यूज किस टिश्यूज़ से बनकर जो है मिलकर जो है बनी हुई है ये पढ़ेंगे हम उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे जिसमें हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे सलाइवा के स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवरा सलाइवा प्रोड्यूस करती है ये जो राल होती है हमारे मुंह में और पेन क्राइस के बारे में पढ़ेंगे फिर हम मेनली डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ़ूड पढ़ेंगे किस तरह से मैकेनिज्म होता है फ़ूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से जो है सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं तो ये सारे हम पढ़ेंगे अलग अलग कौन सी कौन सी ग्लैंड से क्या क्या निकलता है कौन से जो है हमारे जो है चीज़ें निकलती हैं तो ये सब हम पढ़ेंगे उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉपन कैसे होता है इन चीज़ों का एब्जॉर्व कैसे किया जाता है ये सारी पढ़ेंगे फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम हर एक यूनिट हर एक जो है चैप्टर होगा इस यूनिट में उसके एंड में जो है डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि हाँ भाई आपको अगर ये कोई दिक्कत आ रही है इस चीज़ में जैसे डाइजेशन है उसमें कोई भी पाँच छः चीज हम पढ़ेंगे जैसे जॉन्डिस हो गया वॉमिटिंग हो गया डायरिया कॉन्स्टिपेशन तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये जो है डिजीज़ पढ़ेंगे हम किस तरह से ये जो होती है सबसे पहले अब हम देखते हैं डाइजेशन के बारे में डाइजेशन होता क्या है सबसे पहले अब हम ये देखते हैं तो मैंने आपको एक बार ओवरव्यू बता दिया इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तो आपको सबको ही पता है कि कमाते ही क्यों है खाने के लिए फूड जो है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म की मेन जो है इसके लिए जो है आदमी जो है कमाता है मेन जो है फूड के लिए और जो वैसे अलग चीज़ हो गई सजने तजने के लिए कपड़े के लिए घूमने फिरने के लिए बट मेन क्या है फूड कि हाँ भाई दो रोटी तो चाहिए ये सब ये कहते हैं द मेजर कम्पोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स कार्ब्स प्रोटीस फैट ये हमारे जो है मेन जो है कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी हो गया उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी होता है फैट फैट्स और प्रोटीन्स हर एक चीज़ जो है हमारे जो है फूड में होती है तो ये सारी चीज़ें हम जो खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फट मेनली जो है कॉम्पोनेंट्स होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं मेनली ये हम जरूर खाते हैं इन हमारी बॉडी को जरूरत है सबसे ज्यादा इनकी वाइटामिन एंड मिनरल्स आर ऑलसो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ जो वाइटामिन और मिनरल्स है वो भी जो है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे वाटर वाटर हो गया वो भी हमारे स्मॉल क्वान्टिट्टीज में बहुत ज़्यादा जरूरत है ये जो हमारे जो है कोई भी इनकी जो है मान लिए हमने ये वाइटामिन मिनरल्स जो है प्रॉपर नहीं लिए क्वान्टिटी में स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जरूरत है अगर नहीं लिए स्मॉल क्वान्टिटीज़ में भी हमने तो हमें कोई भी जो है डिजीज़ हो सकती है कोई भी तो कोई भी डिजीज़ हो सकती है तो हमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटीर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ फूड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटीरियल जो है थोड़े बहुत जो है प्रोवाइड करता है हमें किसके लिए ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ कैसे टिश्यूज़ को जो रिपेयर होना अगर उनमें कोई दिक्कत आ जाए ग्रोथ के लिए टिश्यूज़ के सेल डिवीजन होता है तो ये सारी चीज़ें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है न्यूट्रियस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये इनऑर्गैनिक ऑर्गेनिक मटीरियल मतलब ऑर्गैनिक एक इनऑर्गेनिक जो है न्यूट्रेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होते हैं जो कि सिम्पलस्ट न्यूट्रियस होते हैं जो सिम्पल जो न्यूट्रेंट्स होते हैं जिन सिम्पलस्ट होते हैं जिन जिन्हें हम क्या कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिय जैसे मिनरल्स हो गए वाटर हो गए कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ें हो गई और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक की बात करी अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल से टर्म्स आई ये टर्म आई थी तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है जो कि कॉम्प्लेक्स जो है क्या होते हैं न्यूट्रे न्यूट्रिएंट जो टाइप के हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कौन से होते हैं जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे हमने बात करी कार्ब्स प्रोटीनस एंड फैट्स हैं कॉर्बेक्स नहीं सॉरी कॉर्बेक्स नहीं कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हो गए इनऑर्गेनिक कौन से हो गए जो कि सिंपलेस्ट होते हैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपलेस्ट होते हैं जैसे कि वाटर हो गया मिनरल्स हो गया जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स ये सारी चीज़ें ये क्या होगी ऑर्गेनिक हो गई आपकी होप आपको क्लियर हुआ होगा आगे देखते हैं और जो आप आपके जो नॉर्मल न्यूट्रीन्स होते हैं जैसे वाटर मिनरल्स साथ जो हम जो है रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके दौरान हम रिएक्शन मिलती है जो उसी रिएक्शन से जो बनते है बनते हैं कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे सी ओ टू सी ओ टू हो गया कॉम्प्लेक्स और वाटर कॉम्प्लेक्स हो गए अब अभी आप आपस में मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल है ये सिंपल है दोनों ये सिंपल है अब ये आपस में क्या होंगे आपस में जो है कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे सी सिक्स एच टूल्व और ओ सिक्स बनाएंगे ओ सिक्स तो ये जो है बनाएंगे सी सिक्स एच ट्व सिक्स बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे तो ये जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए इसी तरह जो है इनऑर्गेनिक सिंपलेस्ट और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पाए पाप को ये तो क्लियर हुआ होगा आगे देखते हैं फूड प्रोवाइड्स एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए द वॉटर वी टेक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट द हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस में कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चलती चल रह, रहती हैं सारी केमिकल रिएक्शन टोटल सम ऑफ द टोटल रिएक्शन आर बॉडीज कॉल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म ये हमने चैप्टर वन में भी पढ़ा था ये सारी रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में जो है चलती रहती हैं केमिकल रिएक्शन उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर और डिहाइड्रेशन भी जो है जो है बॉडी में जो है प्रिवेंट करता है बायो माइक्रोमोलिक्स इन फूड कैन नॉट बाय बायर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म जो बायो माइक्रोमालिक्यूल्स मैक्रो होते हैं मैक्रो मोलोलोलोलोलिक्यूल्स क्या हो गए जैसे कार्ब्स हो गए प्रोटीन मैक्रो इन्हें जो है कहते हैं

ये जो है सिंपलेस्ट जो है इन्हें जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा और फिर उसके बाद उन्हें जो है टूटना पड़ेगा ब्रोकन होना पड़ेगा मतलब टूटना पड़ेगा और उन्हें जो है सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा हमें क्या होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में जो है नई यूटिलाइज किए जा सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें जो है डाइजेस्ट करने के लिए हमें मतलब हमें क्या करने हमें बाहर निकालने के लिए बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हमें इससे एनर्जी लेने के लिए हमें जो इनको तोड़ना पड़ता है सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड चांसिस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन अब इस कन्वर्जन को जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कौं� को हमने जो किया ये इसको डाइजेशन को हाई डाइजेशन की जो है इसको हाईलाइट कीजिएगा डेफिनेशन को ये प्रोसेस कन्वर्जन का कॉम्प्लेक्स वो सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया कास्ट प्रोटीन से ये हो गए उनको सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन तो इस ये क्या हो गया कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म ताकि हम उसे जो है एब्जॉर्व कर सके सिंपल हो जाए सिंपल चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी तो उसके बाद उसे ये हम क्या कहेंगे डाइजेशन करेंगे एंड इस कैरीड आउट बाय अल डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स मैकेनिकल मेथड से मतलब हमें जब मैकेनिकल मेथड क्या हो गया कि हम उसके माउथ में लेंगे उसे हम चबाएंगे अब हम क्यों कहते हैं कि चबाना चाहिए अगर हम चबाएंगे नहीं अच्छी तरह से हमारे बॉडी में जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा जहां पे बाईकेमिकल एक्टिविटीज होंगी सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे कई सारी चीजें होंगी हम पढ़ेंगे आगे मैकेनिकल प्रोसेस कौन सा हो गया मैकेनिकल मेथड जो कि मुंह में च्यू करते हैं जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम जो हम खाते हैं ना उसको हम कहेंगे मैकेनिकल तो मैकेनिकल मकैनिकल बायोकेमिकल क्यों हो गया क्योंकि खाएंगे हम तो उसे चबा चबाएंगे और चबाना है हमें एकदम से नहीं लेके जाना तो आपके डाइजेशन में जो है ज़्यादा जो है मद ma... जो है डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा ज़्यादा जो है उसको जो है जाइस देने पड़ेंगे मतलब ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम को तो वही इसे मकैनिकल प्रोसेस के जो जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बायोकेमिकल मैथड जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना

ये पैरोट ग्लैंड क्या है ओरल कैविटी क्या है ये माउथ ही होती है वैसे ओरल कैविटी माउथ हो गया जैसे ये जो भी हम मुंह में जो भी चीज़ हम रखते हैं जहाँ पे उसे हम जो ओरल और, कैविटी कहते हैं मुंह के अंदर जो सारा स्पेस होता है उसे ओरल कैविटी कहते हैं सब मैगजरी सब लिंगल ग्लैंड हो गई ये ये हो गई सारी आपकी फैरिंग्स हो गया और इस फैगस लीवर स्टमक ये सारी जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी पहले अब इसमें जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा अब इसको जो है बाद में हम करेंगे सो so, हमने इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में डाइजेशन ऑब्जॉप्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से इसको डिटेल में जो हम जो आगे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो भी आपने जो है आज पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे इसको कवर करेंगे आगे सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसे लगी थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में